हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे पिंकी सा ग्लोइंग पिंकी और एक बहुत ही असरदार बहुत ही अच्छा फेस मास्क बताने वाली हूं, जो आपकी स्किन को आपको गुलाबी गुलाबी आपकी स्किन कर देगा और आपके गाल एकदम गुलाबी गुलाबी लगेंगे। इतना इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, तो आप जब ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कितना इफेक्टिव है। एकदम आपका फेस जो एकदम ग्लोइंग लगेगा, एकदम पिंकिश सा कलर आपके शेड आएगा आपके स्किन पर, आपके चेहरे पर। तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा और यह हफ्ते में 2 बार ट्राई कर सकते हैं और ये कोई हार्मफुल नहीं है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत असरदार है। इसके बेनिफिट जितना बताओ उतना कम है, तो इसके बेनिफिट में आगे के हम लोग स्किप करके बस देख के चले आते हैं, लास्ट तक नहीं देखते। तो इसके लिए मैंने इसके बेनिफिट लास्ट में बताए, तो आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हमें इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए एक चुकंदर, वीट रूट बोलते हैं जिसे, वीट हिंदी में इसको चुकंदर बोलते हैं। और ये मैंने चुकंदर लिया है, ये कट कर लिया है, और मैंने आधा से ज्यादा नींबू लिया है ये, और मैंने ये उबला हुआ चावल लिया है, पका हुआ चावल है ये, जब हम लोग खाते हैं वो वाला चावल है पका हुआ। तो इन सबको मैं मिक्सर जार में इनको फाइन एक पेस्ट बना ले रही हूँ इन सबको डाल के। तो मैंने ये मिक्सर जार में इसको डाल दिया है, अब मैं इसका फाइन पेस्ट बना ले रही हूँ, इसको पीस ले रही हूँ। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, ये देखिए इस तरह से कुछ ये बन गया है। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी एलोवेरा जेल, देख सकते हैं आप, एलोवेरा जेल मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब मैं डालूंगी इसमें, और फिर देन मैं मिक्स कर लूंगी मिक्स करके। तो ये देखिए प्यारा सब बन गया, इतना सुंदर सा कलर ही आया है। फेस पैक मास्क, तो इसको आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, अगर आपने ज्यादा बना लिया है मेरे जितना, तो आप फ्रीजर में रख लीजिए और इसका आइस क्यूब बना लीजिए और बना के आप जब रेडी रहेगा तो आप आइस क्यूब बना रहेगा तो आपको फिर दोबारा ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट आइस क्यूब में फ्रीजर में रख के आइस क्यूब बना लीजिए इसके और डायरेक्ट फिर ऐसे ही लगा लीजिए आप, और आपको फिर से ऐसे बनाने की तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैक्सिमम आप कम से कम ही थोड़ा ही बनाया करें, ज्यादा मत बनाया करें। और फ्रीज में रख दें, अगर आइस क्यूब नहीं बना रहे तो भी आप इसको फ्रीज में रख के स्टोर करके इसको आप बाहर मत रखिएगा। और देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी मैंने फैन लगा ले रही हूँ, आप ब्रश की मदद से भी इसको लगा लीजिए, लगा सकते हैं। मैं इसको पहले लगा लेती हूँ, इसको लगा लिया अच्छे से, 10 से 15 मिनट तक ही रखिएगा। तो मैं 10 से 15 मिनट तक रख देती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। सूखने के बाद मैंने इसको अच्छे से लगा लिया और गाइस ये सूख चुका है, मैंने 10 से 15 मिनट तक रखा था। और मैंने इसको लिप्स पे भी लगा लिया था, आप इस तरह लिप्स पे भी लगा सकते हैं, लिप्स भी पिंकिश पिंकिश हो जाएगी। और फिर मैं इसको सेमी ड्राई किया था, ज़्यादा ड्राई नहीं किया था मैंने, अभी मैंने सादे पानी से धोया है, फेस वाश यूज नहीं किया है, सादे पानी से दिया था, गुनगुने पानी से धुल सकते हैं, हॉट ना रहे गुना रहे। और मैंने इस तरह से देखिए के लिए और पिंकिश सा ग्लो आया है, कैमरा ऐसा कैच नहीं कर पाया है लेकिन सच में गाइस पिंकिश सा ग्लो आया है ये, और बहुत ही इफेक्टिव। अगर आप ज़्यादा बना लेते हैं तो आप फ्रीज में रख के इसको हफ्ते में 2 बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप कम ही बनाया करें। अब मैं इसके बेनिफिट बताने जा रही हूँ। तो चावल हमने यूज किया है, पके हुए चावल जो हमने इसमें यूज किए, गाइस पका हुआ चावल हमारे स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है, जो हमारे स्किन में एक टाइटनेस आती है, जो हमारी स्किन डल हो जाती है मतलब लटक जाती है उसमें टाइटनेस लेके आती है, एंटी एजिंग का काम करती है। देखा आपने जितने भी जापनीज कोरियंस गर्ल होती है उनकी स्किन एकदम बेबी होती है, क्योंकि वो चावल का ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, हर एक चीज में वो चावल किसी भी तरह वो चावल को ज्यादा यूज करते हैं, तभी इसकी स्किन एकदम लगती है, एकदम बेबी स्किन लगती है। तो आप इसका ये इफेक्टिव एंटी एजिंग का काम करती है चावल, तो पका हुआ चावल बहुत इफेक्टिव एक टाइटनेस लेके आएगा। इसका स्ट्रेस जो होता है, वो जो चावल का जो वाइट वाला स्ट्रेस होता है, वो हमारी स्किन को बहुत टाइट बनाता है, हमारी स्किन को ग्लो बनाता है, हमारी स्किन को यूथफुल बनाएगा। तो चावल भी इफेक्टिव बताया उतने कम
काम है, चावल बहुत असरदार है हमारी स्किन के लिए। तो आपको डेली रूटीन में या वीकली एक बार चावल का फेस पैक या किसी भी तरह आप इसको यूज करिएगा। एज ए नाइट क्रीम भी आप इसको चावल के सीरम को बना के यूज कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं इसके नाइट क्रीम भी इसका बताऊंगी। और जो मैंने इसे चुकंदर डाला है, चुकंदर माय स्किन को ग्लो बनाएगा, रिंकल्स विंकल्स जो भी आते हैं उसको, फाइन लाइन जो होती है वो सारी क्लियर करेगी। कैसे फाइन लाइनें बन जाती है वो एकदम क्लियर करती है, एकदम माय स्किन को ग्लो पिंकिश ग्लो देती है। तो इसलिए चुकंदर जो वीट है बहुत ही असरदार है हमारी स्किन की पिंकिश ग्लो देने के लिए। और आज का पिंकिश ग्लो का ब्लश तो लगा सब लोग पिंकिश करते ही है, तो ये चुकंदर वैसे ही ग्लो पिंकिश ग्लो मिलेगा। और जो हमने इसमें नींबू डाला है, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए, हमारी स्किन की लाइट बनाने के लिए, ब्राइट बनाने के लिए, जो भी पिंपल्स वगैरह आते हैं उसको रिमूव करने के लिए, सारे चीज के लिए बहुत असरदार है। और तो नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो हमारी स्किन को ब्राइट, लाइट, पिंपल्स रिमूव कर रहे हैं के काम करेगा हमारे स्किन में। और जो भी हमने इसमें एलोवेरा डाला है, एलोवेरा हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा, लाइट बनाएगा, ब्राइट बनाएगा, एक निखार लेके आएगा एलोवेरा। अगर आपके पास रेडीमेड एलोवेरा नहीं है तो फ्रेश एलोवेरा सकते हैं, वो भी बहुत असरदार है। तो इस तरह मैंने इसमें ये सारी चीजें डाल यूज करिएगा, फिर बताइएगा। मैं गारंटी देती हूँ आप बार बार यही वाला फेस पैक लगाने वाले हैं। और देखिए मेरे कितना पिंकिश पिंकिश लग रहा है, मैंने वही लगा के अभी किया है। तो आप जरूर यूज करिएगा तो ही पता चलेगा, बिना यूज करे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो आप इसको यूज जरूर करिएगा, हफ्ते में 2 बार यूज करिएगा। बेस्ट अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार इसको यूज करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्प करते हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।